जमशेदपुर सांसद विद्युत वरण महतो ने घाटशिला के एक होटल में प्रेस वार्ता किया। प्रेस वार्ता को संबोधित हुए सांसद विद्युत वरण महतो ने कहा कि कांग्रेस घोटाला छिपाने से बाज नहीं आ रही है और केंद्र सरकार पर लगातार अपनी गलतियों का दोष मढ़ रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने 2G कॉमनवेल्थ सहित कई घोटाले किए और देश के 12 लाख करोड़ रुपए लूटे, फिर भी अपना इनकम टैक्स नहीं भरा। उन्होंने कहा कि इनकम टैक्स मामले में उच्च न्यायालय से फटकार मिलने के बाद कांग्रेस अब धरना प्रदर्शन का स्वांग रचकर जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस केवल मेवा के लिए राज करना चाहती है, मगर भारतीय जनता पार्टी देश और जनता की सेवा के लिए सदैव तत्पर रहती है। देश की जनता कांग्रेस पार्टी के तौर तरीकों से भली भांति परिचित है। इस मौके पर मुख्य रूप से भाजपा युवा नेता लखन मार्डी, भाजपा ग्रामीण जिलाध्यक्ष चंडी चरण साव, राहुल पांडे, गोपाल कोयरी, हराधन सिंह, मनोज प्रताप सिंह, सुभाष बनर्जी आदि मौजूद थे। घाटशिला से सिद्धार्थ आनंद की रिपोर्ट। जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता जफर इस्लाम जी का ट्रांसफर हुआ पिछले दिन, कई दिनों से हो रही है। इसमें जिस तरह कांग्रेस ने आपका कॉमनवेल्थ से 2G तरह की घोटाला उन्होंने किया और लगभग 12 लाख करोड़ लूटे, एक दो पैसा नहीं, 12 लाख करोड़ का घोटाला हुआ और फिर अपना इनकम टैक्स नहीं उसका भर नहीं भरने के कारण इन लोग का जो है फ्रीज का बहाना दिया गया, हम लोग का पूरा खाता उठा फ्रीज कर दिया गया। लेकिन सत्यता इसमें कसों दूर है, क्योंकि कांग्रेस को जब इस तरह का टैक्स भरने के लिए कई बार ईडी ने उसको नोटिस दिया कि भाई इसका पैसा वैसा जो है जमा कर दिया, लेकिन उन्होंने नहीं किया। और ये 2014 के बाद, अभी का बात नहीं, आज से नहीं है, पहले से है। जब ये कर लिया तो लोग हाईकोर्ट देश के उच्च न्यायालय में गया, तब न्यायालय ने भी फटकार लगाई, लेकिन इनका सब ठीक है, चंदा होना पर टैक्स का, इसका जो टैक्सपेयर है इसको जो टैक्स पे करना था आपका अभी तक नहीं किया। इसीलिए जितना टैक्स की पैसा है उसको हम इसको फ्रीज कर रहे हैं, बाकी से तो कोई मतलब उनका है नहीं। लेकिन कांग्रेस अभी कहना गली मोहल्ला हर जगह प्रदर्शन करके भारतीय जनता पार्टी का, सरकार का और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी जी का ऊपर लंछना लगा रहे हैं कि देश के विधान संविधान को नहीं मानते हुए ये लोग अपना मनमर्जी करते हुए इस तरह का इलेक्शन का समय में खाता को फ्रीज किया गया। सत्यता इससे कुछ भी नहीं, क्योंकि इससे पार्टी से कोई मतलब नहीं। टैक्स, इनकम टैक्स और सारे चीज़ जो है ये सरकार में जो लोग भी धंधा पानी करता या किसी तरह का बिजनेस करता इसमें सारे लोग आता है और समय पर सारे लोग भरते हैं और सभी पार्टी इसको भरा है। इसलिए कांग्रेस के ने जो भरा है उसको कहीं पर नोटिस नहीं हुआ, लेकिन ये लोग जो है मेवा खाने में रहा। कांग्रेस जो है मेवा खाने में ज़्यादा दिलचस्पी देखता है और टैक्स भरने से दूर भागती है, और दूसरे पर भारतीय जनता पार्टी मेवा से दूर होकर सेवा को ज़्यादा प्रथम करते हैं। उनमें हमसे यही अंतर है। और देश के प्रधानमंत्री जिन्होंने देश को एक नया संदेश देने का काम किया कि आज देश का नियम जो पूरा संविधान के अनुसार चलेगा और इनके जितने भी ब्रांचेज है इनकम टैक्स है, ईडीआई, सीबीआई, सारे लोग वो अपना अपना संस्था से केस के अनुरूप बोले जांच करते हैं। किसी को कहीं पर टैक्स उसका बारे में किसी तरह डायरेक्शन देने होगा, जब तक फॉल्ट होगा तभी नहीं जाएंगे, जमा नहीं होगा तभी उस समय जाएगा। तो इसी तरह कांग्रेस यदि गलत तरीके से ये बात को फैला रही है और जगह जगह प्रदर्शन कर रही है
और अपना सत्यता को ढकने के काम कर रहे हैं। आज के प्रेस के माध्यम से यही कहना है कि बकाया टैक्स जो है आयकर विभाग ने उसी रकम को खर्च करने पर जो है रोक लगाई है, इसमें किसी तरह दूसरे पैसा से इसका कोई लेन देन नहीं कर। और कांग्रेस बोलता है कि लोकतंत्र की याद तभी आती है जब आपने कोई बड़ा अपराध या फंसने लगते किसी केस में, तब ये लोग विधान संविधान को याद करता है कि इसमें हमको अलग से देखा जा रहा, हम पर दबाव दिया जा रहा, लेकिन ये सत्यता से परे। इसी तरह कांग्रेस की धरना प्रदर्शन ये चोरी भी है और सीनाजोरी भी है, चोरी भी करेगा और सीनाजोरी भी करेगा, ये दो चीज साथ साथ नहीं चल सकते। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी आम जनता को आज के माध्यम से सत्यता को बताने के लिए आज पूरा देश भर में इस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है किया जा रहा है। और आज हम लोग घाटशिला में हमारे इस कार्यक्रम में जिला के अध्यक्ष हैं भाई चंडी चरण साहु हैं जी हैं, हमारे पूर्व प्रत्याशी लखन माडू जी हैं, महामंत्री भाई हरारन सिंह जी हैं, हमारे मंडल के अध्यक्ष जाहुल पांडे जी हैं, जिला परिषद सुभाष जी हैं, और हमारे मनोज सिंह जी है, इधर महामंत्री तिवारी भाई हैं, हमारे प्रतिनिधि पुष्टि जी है, गोपाल जी हैं, क्या ना सुभाष जी हैं, अमर जी हैं हमारे अरुणी मंडल के अध्यक्ष, और हम सब पत्रकार बंधु हैं। तो मेरे यही कहना है कि आज जी देश में सत्ता में बैठे हुए सिर्फ कानून का और संविधान का पुजारी है, किसी तरह भ्रष्टाचार को सहन नहीं किया जाएगा, ये हमारा राष्ट्रीय प्रवक्ता ने कहा है। और जो गलत करेगा सलाखों के पीछे जाएगा, या तो जो आयकर विभाग का टैक्स है उसको जमा करो। बात इतनी सी है, आयकर विभाग ने कोई एक नोटिस दिया, नोटिस देने के बाद जब उन्हें इतना लंबे समय के बाद कोई सूद नहीं लिया, तो बाध्यता जो है उनको इस तरफ जो टैक्स का पैसा है उसको फ्रीज कर किया, अगर दूसरे पैसा से इसका कोई लेना देना नहीं, गलत प्रचार कर रहे हैं। इसीलिए आपके माध्यम से आम जनता को मेरा यही संदेश है।